प्लस आर क्यूब। दोबारा से दोहराइए, मैं लिखते चलता हूँ फिर, अगर आप बोलते रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए। वेरी पी क्यू स्क्वायर इक्वल गुड। टी आर हाँ पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमको देशमुख ने फिसागोरस का मसले के बारे में बताया, जो शक्ल आपके सामने है उन्होंने बहुत सही बताया। ओके, इसे हम मसावत नंबर एक देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इसे मसावत नंबर हम एक देते हैं। इसी तरह से अब हमारा दूसरा मुसल्लस भी है। आपको पता है दूसरा मुसल्लस कौन सा है? मुसल्लस का नाम हम लेंगे यहाँ पर मुसल्लस पी आर एम में, मुसल्लस पी आर एम में जाविया पी आर, यानी आर फिर दोबारा से हमारा 90 दर्जे है, क्योंकि एक ही जाविये पर दोनों मुसल्लस हमारे बने हुए हैं। बताइए क्या रहेगा हमारा फिसागोरस का मसला। मैं शक्लों के लिए यहाँ पर इसे नीचे कर रहा हूँ, मुसल्लस पी आर एम में। सर हाँ बोलिए। पी एम स्क्वायर वेरी गुड, पी एम स्क्वायर, इक्वल पी आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर, बहुत अच्छे, प्लस आर एम स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आर एम स्क्वायर, इसे हम मसावत नंबर दो देते हैं। बाकी स्टूडेंट जो है उन्हें भी आंसर देना है, उन्हें भी बोलते रहना है। अगर कुछ ओके प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो बोलते रहिए। वालेकुम असलाम, हाँ जो आए हुए स्टूडेंट जिन्होंने सलाम मुझे भेजा है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको यहाँ पर मसावत नंबर दो यहाँ पर मिल गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो वस्ती नुक्ते का जिक्र किया गया है, उस वक्त वस्ती नुक्ते को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिला क्यू आर, जिला क्यू आर का वस्ती नुक्ता, वस्ती नुक्ता क्या है हमारा, एम है। ओके, बस्ती नुक्ता क्या है हमारा, एम है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से जाप्ता उसका लिख सकता हूँ, आर एम बराबर 1/2 जर्ब आर क्यू। अब ये हमारा जाप्ता किस तरह से आया, मैं आप लोगों को यहाँ पर इन शॉर्टली करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो शक्ल कुछ इस तरह से, आर डैश एम डैश और क्यू डैश। ओके, अब यहाँ पर आपको पता है इसे हम कहते हैं दरमियानियत कहते हैं, और दरमियानियत में क्या होता है कि उसकी जो दोनों बाजू होती है यानी आर एम और एम क्यू, ये दोनों सेम रहती है। तो सबसे पहले हम दरमियानियत किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे आर क्यू बराबर आर एम जमा एम क्यू। ओके, हम इस तरह से लिखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर एम और एम क्यू जो ये दोनों सेम रहते हैं, कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे आर क्यू बराबर आर एम जमा आर एम। यहाँ पर हमने एम क्यू इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पर हम आर एम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर वस्ती नुक्ता कहा है, वस्ती नुक्ता का मतलब क्या होता है कि वस्ती नुक्ता जो भी जिले पर अगर बनता है तो उस वो दोनों जिलों के दो बराबर हिस्से करता है। कैसे करता है, दो बराबर हिस्से करता है। तो हम हाँ यहाँ सर पर मैं क्या समझ किए, गया। एम क्यू की जगह पर आर एम इस्तेमाल किए। अब हमारे पास हो गया आर क्यू बराबर 2 RM हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, ये 2 को हमने इधर ट्रांसफर कर दी, तो हमारा जवाब हो गया आर एम बराबर 1/2 जर्ब आर क्यू, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। समझ में आ गया किस तरह से हमें ये मिलता है। अब यहाँ पर तो आपको बोलना ही है, थोड़ा अगर फासली बोले तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ सर समझ में जी आ सर गया, शहादत हाँ देंगे। सर ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये पॉइंट हमारा नहीं समझ में आया, इंशाल्लाह मैं यहाँ पर वो सारी बातें आप लोगों की क्लियर कर दूँ। तो चलिए मैं इसको जरा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमको जगह चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने ये जाप्ता किस तरह से लिए आपको यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। अब इसके अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आप दोनों मसावतें देखिए, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में कुछ कॉमन बात आप लोगों को दिखाई दे रही है, या फिर आप इसे देखिए, इसे मसावत नंबर हम 3 कर देते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में ये
मददगार साबित हो। अब आप गौर से देखिए मसावत नंबर दो और मसावत नंबर तीन में, यहाँ पर हम दूसरी पेन यूज करते हैं, ये देखिए आर एम कुवत दो दिया हुआ है और यहाँ पर आर एम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आर एम की जो वैल्यू दिखाई दे रही है मसावत नंबर दो में इसे हम रखते हैं। तो चलिए मसावत नंबर दो में जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारी नई मसावत हमें क्या मिलेगी, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, मसावत तीन को यानी तीन को दो में रखने पर, इस तरह से आपको सेंटेंस लिखना है। तो हमको तीन क्या है हमारा आर एम की वैल्यू है, तो बाकी पी एम वगैरह जो है वो जैसा है वैसे ही रहेगा, पी एम कुवत दो पी आर कुवत दो जमा, अब हमें क्या करना है आर एम की जगह पर एक बटे दो यूज करना है, जर्ब में हम लिखेंगे आर क्यू कुवत दो। यहां तक इंशाल्लाह आप लोगों की समझ में आ गया होगा, अगर कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखिए पी एम कुवत दो एज इट इज रहेगा हमारा, पी आर कुवत दो ये भी एज इट इज रहेगा। अब बारी आती है इसकी, इसे हम किस तरह से लिखेंगे, पहला वाला हिस्सा हमारा एक बटे दो, तो एक बटे दो का अगर हम मुरब्बा लेते हैं तो एक का मुरब्बा एक होता है और दो का मुरब्बा होता है चार। ओके, जर्ब करके आर क्यू है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर क्यू स्क्वायर, इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ये हम लोगों को मसावत नंबर दो और तीन की मदद से हमें मिल गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो तकसीम में चार दिया हुआ है यहाँ से चार हटाना है, तो हम इसे समझने के लिए हम इसे मसावत नंबर चार दे देते हैं। जब हमको चार हटाना है, अगर तकसीम में चार रहता है तो हम क्या करते हैं पूरी मसावत को चार से जर्ब कर देते हैं, यानी तकसीम में जो भी अदद रहता है हमें क्या करना है उसी अदद से पूरी इक्वेशन को हमें जर्ब करना है। तो हम लिखेंगे मसावत, सॉरी ये ज्यादा डार्क हो जा रहा है आपको दिखाई नहीं देगा, मसावत चार को चार से जर्ब करने पर, यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा, तो हर पॉइंट्स का हर हर हिस्से को उसको जर्ब करना है। तो पहले वाले को दिया हमने, ये हो गया चार पी एम कुवत दो, इसे भी हम देंगे, ये हो जाएगा चार पी आर कुवत दो जमा, अब इसे देना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे चार जर्ब, बाकी हिस्सा जैसा है वैसे लिखना है, एक बटे चार किसी को लिखना नहीं है, आसिया जब आप लोगों को बोला जाएगा लिखने के लिए तब आपने लिखना। ओके, यहां से हमने चार से जर्ब इसे कर दिया, तो देखिए ये तकसीम वाला चार और ये जर्ब वाला चार हमारा यहाँ से कैंसल हो जाएगा। अब हमारे पास जो नई मसावत हमें हासिल होंगी वो मिलेगी चार पी एम कुवत दो बराबर चार पी आर कुवत दो जमा आर की कुवत दो। यहां तक समझ में आया आप लोगों की? जी सर। जल्दी से मुझे अगर जवाब दे तो बहुत बेहतर है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। जी सर। यस सर। एक ही बच्चे का जवाब आ रहा है मुझे, बाकी तो बेचारे चले गए यहाँ पर। यस सर। समझ में नहीं आ रहा। ओके, हाँ तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को मिला हुआ है मसावत, अब देखिए मसावत नंबर एक और मसावत नंबर जो आप लोगों के सामने आई हुई है इसे भी हम मसावत नंबर पांच कर देते हैं। अब आप इसे गौर से देखिए, मसावत नंबर एक और मसावत नंबर पांच में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन सी चीज आपको दिखाई दे रही है, कौन सी मसावत है सर? मसावत नंबर एक और मसावत नंबर पांच, बोलिए सर। बहुत आवाज हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसे बोलना नहीं है, आवाज बंद कर दे। नौशाद अक्षरा पिंजारी, हाँ बोलो। फलक नाज, अगर आप बोलना चाहते हैं तो माइक खोलिए। हाँ शादत देशमुख, बोलिए। RQ स्क्वायर, हाँ बोलिए, क्या बात है? RQ स्क्वायर सर, मसावत एक और पांच की जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को,
इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आर क्यू स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आर क्यू स्क्वायर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम क्या करेंगे, एकदम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, तो जरा देखिए कैसे लिखना है इसको हम लोगों को। हम इसे लिखेंगे आर क्यू बराबर, और ऊपर चलते थोड़ा सा ऊपर चलते, ऊपर की मसावात की तरफ, जो हमारे पास डी वी है, पी एम भी दिया हुआ है हम लोगों को, मसावात नंबर दो, मसावात नंबर एक और मसावात नंबर पांच। तो यहाँ पर हमारे पास आर क्यू, आर क्यू सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आर क्यू सेम है, यहाँ पर चार पी आर दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर हमको पी आर दिया हुआ है। तो इसे हमें जब लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गौर से देखना आप लोगों को, अगर कोई हिस्सा आपकी समझ में नहीं आता है तो आप सवाल कर सकते हैं। चार पी एम कुवत दो बराबर तीन पी आर कुवत दो जमा पी आर कुवत दो जमा आर क्यू कुवत दो। बोलिए क्या ये स्टेप आप लोगों की समझ में आई या नहीं? नहीं सर। आई क्या? नहीं सर। नहीं, बहुत अच्छे, अब समझाता हूं आप लोगों को। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, चार पी आर कुवत दो दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, चार पी आर को हमने तीन जमा एक में तोड़ दिए, समझ गया? अब हमने क्या किया, चार को हमने तीन जमा एक में तोड़ दिया। तो देखिए यहां पर हमने बाहर लिखा तीन पी आर कुवत दो, ये लिखा दिखाई दे रहा है, और एक जो पी आर बचा हुआ था उसको हमने आर क्यू के साथ एक कॉस में बंद कर दिया। अब समझ में आया? हाँ सर। है ना, किस तरह से हमने किए। अब आपको पता है मसावत नंबर एक में, मसावत नंबर एक में ये पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो पी आर कुवत दो जमा आर क्यू कुवत दो दिखाई दिया। हाँ सर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चार पी एम कुवत दो बराबर तीन पी आर कुवत दो जमा पी क्यू कुवत दो, समझ गए? जी सर। बाकी बच्चे हा भी नहीं कहते हैं और ना भी नहीं कहते हैं, क्या मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है सर। हाँ नहीं, बाकी जो बच्चे हैं हमारे, क्योंकि दो ही बच्चियों की, एक लड़का और एक लड़की की आवाज मुझे आ रही है बस, बाकी खामोशी से देख रहे हैं, या लगता है फिर उन्होंने सिर्फ वीडियो चालू कर दिए। देखो बैठना है क्लास में तो इंटरेस्ट से बैठो। हाँ बोलो। मैं भी पढ़ रहा हूँ सर, इंटरेस्ट से ही पढ़ रहा हूँ। हाँ नहीं, जो बाकी बच्चे होने के बावजूद जवाब नहीं दे पा रहे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि वो आज की क्लास में है लेकिन होकर भी नहीं है, जैसे फलक नाज है, काबले, मुझे नाम नहीं पढ़ते आ रहा है, मुतब्बीरा है, उसके बाद है हमारे खदीजा बागवान, खान सबा, नौशाद रजा, शादत देशमुख तो जवाब दे रहे हैं, और एक कोई लड़की जो जवाब दे रही है, और ये अमीन सुलेमान टेंथ। चलिए हम इसके अगले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमको जो प्रूफ करना था जरा एक नजर हम उस पर डाल देते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए प्रूफ में अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इधर इसे थोड़ा सा सरका देता हूं। तो देखिए पी क्यू कुवत दो यहाँ पर मौजूद है, बराबर है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चार पी एम कुवत दो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और तीन पी आर कुवत दो लेकिन नफी में है और हमारे पास जमा में है। तो हम क्या करेंगे, इसे तरतीब से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू कुवत दो, ओके, इसे हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा चार पी एम कुवत दो नफी तीन पी आर कुवत दो, और ये हमने प्रूफ कर दिए। बोलिए पहला वाला जो टॉपिक था, पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने जो आज सॉल्व किए,
कितने बच्चों की समझ में नहीं आया, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बायपास निकल गया, यानी सर के ऊपर से चला गया। अब यहाँ पर तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यूट्यूब की बजाय। खदीजा बागवान, खान सबा, नौशाद रजा, शहादत देशमुख, सभी का मैं नाम कर रहा हूँ। सर हाँ, कौन आप नाम के साथ बोलिए जो भी मुझसे सवाल कर रहे हैं। हाँ शहादत देशमुख, क्या बात है सर, एक बार वापस से रिवाइज किए, ऊपर से आइए ना, ऊपर स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप बाय स्टेप सर, स्टेप बाय स्टेप दोबारा से बताओ। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, पहला मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर दोबारा से बताइए, और इसी तरह के किसी का सवाल है जो चाहता है कि सर दोबारा से बताइए। हाँ सर, नौशाद रजा। हाँ नौशाद रजा। हाँ बोलो नौशाद रजा। सर एक बार दोबारा थोड़ा बता दीजिए सर, थोड़ा रिपीट करके। अच्छा ठीक है चलो, अच्छा दो बच्चे कह रहे हैं, चलो देखते हैं, अब मैं बताता हूँ, अब आप लोगों को जागते रहना है। जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने अभी जवाब दिया, ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि इनको थोड़ी फिक्र है कि ये क्लास में होकर सीखना चाहते हैं। और अच्छा टाइम हम लोगों का बस अब हमारे पास 10 मिनट बाकी है, टाइमिंग दोबारा से इंशाल्लाह देखिए। एक ही सवाल हुआ हमारा जूम पर, एक ही सवाल हुआ है, आप लोगों का वेट करते करते टाइम हमारा 10-15 मिनट उस बीच में चला गया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगर ऐसा रहा तो मैं दोबारा से फिर आपको इसी लिंक से जुड़ना है, समझ रहे हैं बात को मेरी, जो हमारे आज हमको 3 सवाल लेने थे। हाँ चलिए देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर हल में दिया हुआ, ओके दिया हुआ में हमें क्या बोला गया है कि मुसलस जो भी हमारा जिला क्यू आर का वस्ती नुक्ता एम कौन है, एम है, ओके अब वस्ती नुक्ता है तो समझ गए होंगे आप, यानी जिस जिले पर ये बना हुआ है उसके दो बराबर हिस्से उसने किया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमको, जाविया पी आर क्यू दिया हुआ है, जाविया पी आर क्यू 90 दर्जे हम लोगों को दिया हुआ है। और हमें साबित जो करना है, साबित क्या करना है, हमें साबित करना है पी क्यू कुवत दो बराबर 4 PM कुवत दो नफी 3 PR कुवत दो, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, इस तरह से प्रूफ करें। अब हम सबसे पहला जो मुसलस हम लोग लेंगे, हम मुसलस लेते हैं मुसलस पी आर क्यू में, और जाविया आर जो है हमारा वो 90 दर्जे का है, कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का है। कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, फिसागोरस का, यहाँ पर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ओके फिसागोरस के मसले से। तो यहाँ पर हमारे पास फिसागोरस के मसले में पी आर क्यू में आर उसका वत्र है, यानी पी क्यू उसका वत्र है, यहाँ पर हम लिखेंगे दो बराबर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं, ओके। इसी तरह से अब हम दूसरा मुसलस लेते हैं, मुसलस पी आर एम में, मुसलस पी आर एम में जाविया आर फिर दोबारा से हमारा 90 दर्जे का है, फिर यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका वत्र हो जाएगा पी एम कुवत दो बराबर पी आर कुवत दो जमा आर एम कुवत दो, आर एम कुवत दो, इसे मसावत नंबर 2 देते हैं, ओके ये मसावत नंबर 2 हो गया हमारा। इसके बाद हम लोगों ने लिखे थे दरमियानियत, ये वाला जुमले का इस्तेमाल करके हम लोग लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे आर एम बराबर आर एम बराबर 1/2 जर्ब आर क्यू, ये कैसा लिखना है, ये कैसा आता है, ये मैंने आप लोगों को साबित करके बता दिया। इसे हम लेते हैं मसावत नंबर 3,
इसे हम क्या करते हैं, मसावत नंबर तीन देते हैं। आप देख रहे हैं कि मसावत नंबर दो में आर एम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आर एम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मसावत दो में आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, कटपट आवाज नहीं आ रही मेरी, आ रही है सर। हाँ, मसावत तीन में रखने पर किसमें रखेंगे हम इसे, मसावत तीन में रखने पर हम लिखते हैं पी एम कुवत दो, पी एम कुवत दो, पी आर कुवत दो जमा, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक बटे दो जर्ब आर क्यू कुवत दो, यह हमने लिखा। फिर दोबारा से पी एम कुवत दो एज इट इज रहेगा, पी आर कुवत दो भी हमारा एज इट इज रहेगा, एक बटे दो हो जाएगा एक बटे चार क्योंकि हम यहाँ पर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और जर्ब में हो जाएगा हमारा आर क्यू कुवत। अब यहाँ से हमको चार हटाना है, क्या करना है, चार हटाना है, तो हम क्या करेंगे, मसावत चार से जर्ब देंगे, चार से जर्ब कर देंगे मसावत को, मसावत को चार से जर्ब करने पर, जर्ब करने पर। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया चार से जर्ब करने पर, ये वाले पार्ट्स को चार से जर्ब करना है, चार पी एम कुवत दो जमा, सॉरी जमा नहीं बराबर आएगा, बराबर चार पी आर कुवत दो जमा चार जर्ब एक बटे चार आर क्यू कुवत दो, ये चार से ये चार हमारा कैंसल हो गया, यहाँ पर लिखेंगे चार पी एम कुवत दो बराबर चार पी आर कुवत दो जमा आर क्यू कुवत दो, इसे हम मसावत नंबर कितनी देते हैं, चार देते हैं, चार। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों की, हाँ सर। चार मिनट बाकी हमारे पास, चार मिनट में इंशाल्लाह हम बाकी सभी जरूर समझ लेंगे, नीचे का हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, पी आर जो दिया हुआ है हमारा, इस चार पी आर के हम दो टुकड़े करेंगे, तो चार पी एम एज इट इज रहेगा, हम यहां पर लिखते हैं तीन पी आर कुवत दो जमा एक पी आर इसका बच गया, उसे कॉस बनाकर आर क्यू कुवत दो के साथ हम यहां पर लिख देते हैं। ओके, यहां पर हमने लिख दिया, अब इसे हम क्या करेंगे, जो कॉस में बना हुआ हिस्सा है वो मसावत नंबर एक में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो हम उसकी जगह पर पी क्यू लिख सकते हैं, चार पी एम कुवत दो बराबर तीन पी आर कुवत दो जमा पी क्यू कुवत दो, ये हो गया हमारा, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पी क्यू पहले दिया हुआ है जो साबित करना है, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं हम लोग, इधर पी क्यू दिया हुआ है, यहां से हम पी क्यू उठाते हैं, पी क्यू कुवत दो बराबर हमारे पास जो मसावत हम लोगों को मिली हुई है, यहाँ पर ये तीन पी आर इधर भेज दीजिए, वो नफी में चला जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा चार पी एम कुवत दो नफी तीन पी आर कुवत दो, और यही हम प्रूफ करना था, ये देखिए दिखाई दे रहा है। हाँ, किसी को सवाल होगा तो फिर पूछ सकते हमारे एक घंटे में, देखिए आधा पौन घंटा जो भी हमारी क्लास चली उसमें हम लोगों का एक ही सवाल हुआ जी सर, इतने सवाल हुए, एक ही सवाल हुआ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों की समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक सवाल हो या फिर आधा सवाल। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए अभी हमारे पास दो मिनट बाकी है, दो मिनट में इंशाल्लाह हमें जितना हिस्सा हमारा होता है हम उतना हिस्सा देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने कहाँ पर लिखा हूँ, इधर फिसाकोरस का मसला है हमारा, थोड़ा सा छोटा कर देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखने में आया है, यहाँ पर डायरेक्ट हमारा है फिसाकोरस का मसला। अब हमें ये प्रूफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक मिनट बाकी है, अगर हमारी क्लास खत्म होती है दोबारा से आपको ज्वाइन करना है, सुनाई दे रहा सभी को, ओके हाँ, अगर एक मिनट हमारी जो पॉइंट है अगर हमारा रह जाता है दोबारा से आपको क्लास ज्वाइन करना है,
अब हमें कायमतु ज़ाया मुसल्लस में इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके से हम इसको जान चुके हैं। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो अब हम इसे कैसा प्रूफ करें, कैसा साबित करें। इसे साबित करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। याद रखिए, जब कभी भी हम लोगों को इम्तिहान में मसला पूछा जाता है तो आप लोगों को 5 बातें याद रखनी है। नंबर 1, बयान। ओके। नंबर 2, शक्ल। नंबर 3, दिया हुआ। नंबर 4, साबित करना। नंबर 5, अमल। और नंबर 6, सबूत। जब कभी भी आप लोगों को कोई भी मसला प्रूफ करने के लिए बोला जाए, ये बातें आपके मसले में आना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक बात अगर आप मिस कर देते हो तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 मार्क्स मिलेंगे। याद रखिए, अगर आप लोग सब लिख लेते और शक्ल नहीं बनाते तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे मसले की तरफ। क्लास खत्म होने का टाइम हो जा रहा है। दोबारा से आपको ये मसला होने के बाद फिर इंशाल्लाह हम हमारी क्लास को खत्म कर देंगे। यहाँ पर हमारे दोबारा से जल्दी से जुड़ना है आप लोगों को। ओके, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। फिर से बताता हूँ कि दिया हुआ में हमारा एक मरतबा मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। कायमत ज़ाया मुसल्लस में वतर का मुरब्बा बाकी 2 इज़ला के मुरब्बों के मजमू के बराबर होता है। यह हमारा फीसा गोरस के मसले का बयान है। तो सबसे पहला जो है हमारा बयान हो गया। नंबर 2, शक्ल। शक्ल हमने बयान में देख कर बनाए, यानी बयान की मदद से हम लोगों ने बनाया। तो हमने कायमत ज़ाविया, क्योंकि हमको सवाल में दिया हुआ है कायमत ज़ाविया मुसल्लस हम लोगों को बनाना है। और कायमत ज़ाविया मुसल्लस वो होता है जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का है। तीसरा पॉइंट है हमारा दिया हुआ। अब दिया हुआ हमें लिखना है शक्ल की मदद से। तो शक्ल का नाम है हमारा मुसल्लस पी क्यू आर में। जो ज़ाविया का जिक्र दिया गया है वो ज़ाविया आप यहाँ पर बताइए। ज़ाविया पी क्यू आर बराबर है 90 दर्जे। ओके, यह हम लोगों को शक्ल में दिया हुआ है। चौथी बात आती है हम लोगों की साबित करना। क्या आती है? साबित करना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे साबित। जी सर। साबित करना है हमें। क्या साबित करना है? कि वतर का मुरब्बा बाकी 2 इजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। हमारा वतर पी आर कुवत 2, बाकी 2 इजला हमारे वो कौन कौन से है? वो है हमारा पी क्यू कुवत 2, पी क्यू जमा की कुवत 2, जमा ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है हमारा अमल। अब हम लोगों को अमल करना है। अब अमल क्या करना है? तो हम यहाँ पर अमल क्या करेंगे? ज़ाविया क्यू से मुकाबिल का एक जो जिला है हमारा, जिसे हम वत्र कहते हैं, वहां पर एक उमूद हम लोग खींचेंगे। हमने क्या किया? फिर से जुमला दोहरा रहा हूँ। ज़ाविया क्यू से मुकाबिल के जिले पर एक उमूद हमने बनाया। तो हमको जो मैंने जुमला बोला, जो मैंने यहाँ पर शक्लों में बताया, उसी को हमें लिखना है। तो हमने क्या किया? जिला पी आर पर, जिला पी आर हमारा वतर है, जिला पी आर पर हमने उमूद खींचा। उमूद यानी उल्टा टी। उमूद यानी क्या होता है? उल्टा टी होता है। उसका नाम हम देते हैं जो उमूद हमने खींचा, एस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एस नाम देते हैं। पी आर पर जो हमने उमूद खींचा वो है हमारा क्यू एस। हमने कौन सा उमूद खींचा है? क्यू एस। क्यू एस। ओके, अमल हमने ये किया हुआ है, किता खींचे। यहाँ पर हम लिखते हैं किता। ओके, ये अमल हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा सबूत। क्या है हमारा आखिरी पॉइंट? सबूत है। अब हम इसे सबूत की तरफ। हाँ बोलो। अब बारी हमारे लास्ट पॉइंट की, वो है सबूत। अब चलिए, सबूत हमको यानी इसको साबित करना है। तो किस तरह से हम साबित करें? तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा मुसल्लस है उसका हम जिक्र करेंगे। मुसल्लस पी क्यू आर में। ओके, ज़ाविया क्यू आपको पता है, ज़ाविया पी क्यू आर बराबर होता है 90 दर्जे का। यहां तक आपको मालूम है। तो यहां पर अब
अगर आप गौर से देखिए तो एस जो है हमारा ये भी नव्वद दर्जे रखता है। एस क्या रखता है? नव्वद दर्जे। अब आप मुझे बताइए कि एस नव्वद दर्जे कैसे रखता है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एस नव्वद दर्जे कैसे रखता है? बोलिए जल्दी, एस नव्वद दर्जे कैसे रखता है? सादा दोस्त, फिरदौस, इरम, फलक, जिसको जवाब आता है वो एस नव्वद दर्जे कैसे रखेंगे। तो जवाब अगर आपने दे दिया तो मैं समझ गया एस नव्वद दर्जे। अजान भी हो रही है? यस सर। हाँ बोलिए, एस नव्वद दर्जे कैसा हुआ? सर समझ में नहीं आ रहा। बात है समझना है हमको। नो सर। ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा मैंने, एस नव्वद दर्जे कैसे रखता है। जब हम लोगों की इंशाल्लाह अगली क्लास होगी, मैं यहाँ पर क्लास को रुका दे रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग? क्या सर? मैं क्लास यहाँ पर रोक दे रहा हूँ। ये सवाल का जवाब हाँ सर बताइए कि यहाँ पर एस नव्वद दर्जे का क्यों हुआ। सादत सर हमको ये समझ में नहीं आया, आप रिपीट कर सकते? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ शक्ल देखकर दिया हुआ साबित करना अमल और सबूत लिखा, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। सर प्लीज एक बार फिर से बताइए ना, मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना इसके अंदर। आप लोग देख रहे हैं मुसलस पी क्यू आर में साविया क्यू नव्वद दर्जे, क्या साबित करना है का मसलर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अमल हमने क्या किया? जिला पी आर पर उमूद हमने क्यू एस खींचे और सबूत में पहला शुरू करते हैं मुसलस पी क्यू आर में, बस इतना ही लिखे हमने। जो है ये नव्वद दर्जे कैसे का रहेगा? जी सर, क्यों से उमूद खींचा गया इसलिए एस नव्वद दर्जे का रहेगा। जवाब, दिमाग पर जोर दीजिए, दिमाग पर जोर, चार लोग हैं आप। सर उनके सामने मौजूद है, बस पढ़ना है और उसको बोलना है कि जाविया नव्वद दर्जे क्यों रहेगा। जाविया पी एस क्यू बोलिए या फिर जाविया क्यू एस आर बोलिए, ये नव्वद दर्जे ही क्यों रहेगा, यानी जाविया एस दोनों में आ रहा है, दोनों मुसलसल। सर सर हाँ बोलो। हाँ क्योंकि पी एस पर उमूद है ना एस। वेरी गुड, कौन बोला? सादा देशमुख। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। यहाँ पी आर पर क्यू एस उमूद है और जहाँ पर उमूद आता है वहां पर जो जाविया बनता है वो नव्वद दर्जे, नब्बे दर्जे, नव्वद दर्जे का होता है। यहाँ पर हमारे तीनों मुसलस, मुसलस नंबर एक, मुसलस नंबर दो और बड़े वाला मुसलस, ये तीनों के तीनों मुसलस कायमतुल जाविया मुसलस है। समझ में आया? हाँ सर। है ना? हाँ जी सर। यहाँ पर हम तीनों मुसलसों को मुतमासिल बता सकते हैं। अब यहाँ पर कह सकते हैं इसलिए मुसलस पी एस क्यू मुतमासिल है, अबे मैंने जाके कर दी ना, मुसलस क्यू एस आर और ये मुतमासिल है मैं आके दूंगी तुमको PQR। ओके हमने मुतमासिल की, इसे मुतमासिल क्यों बताया हमने? क्योंकि तीनों के तीनों जाविये कैसे है? क्योंकि वो कायमा जाविये मुतमासिल, बराबर है? तीन जाविये कैसे है? जी सर, जी सर, कायमा जाविये। अब हम देखे पहला वाला नंबर एक, अब तीनों मुसलस मुतमासिल है, आपस में मुशाबा है, मुशाबा मुसलस है। और तुमको मैंने कहा था कि जब दो मुसलस आपस में मुशाबा होते हैं
तो उनके नजरी इजला तनासुब में पाए जाते हैं। ये हम लोगों ने पहले सबक में अच्छी तरीके से मैंने मुशाबियत में आप लोगों को बताया था। जो बच्चों ने मेरी क्लास किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो यूट्यूब पर हमारे पूरा का पूरा सबक मौजूद है जो हम लोगों ने अभी पिछले कुछ दिनों में लिया था। जी सर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सर लिंक भेजिए अपने। ये देखिए मुसल्लस पी एस क्यू और मुसल्लस पी क्यू आर। सर हाँ बोलो। सर आपने लिंक भेजे व्हाट्सएप पे इसकी? बिल्कुल भेजा हुआ है। भेजा है क्या? ये दोनों हो गए हमारे आपस में मुशाबा। क्या हो गए? मुशाबा हो गए। बहुत आराम से और बहुत आसान जबान में आप लोगों को समझा रहा हूँ, रुक रुक कर। अब अगर ये दोनों मुशाबा है तो अब इसके नजरी इज़ला हम लोगों को तनासुब में लिखना है। तो कैसा लिखेंगे, मैं एक बताऊंगा, आप लोगों को एक बताना है। तो यहाँ पर मैंने कहा पी एस, बताइए पी एस के तनासुब में क्या आएगा इधर के मुसल्लस से? PQ. क्या आएगा? PQ. Very good. PQ आएगा, बहुत अच्छे बराबर। अब अगला मैं जिला ले रहा हूँ, SQ ले रहा हूँ मैं। क्या ले रहा हूँ? SQ. QR. क्या रहेगा? QR. QR. Very good. बहुत अच्छे। और तीसरा मैंने लिया PQ. PR. क्या रहेगा? PR रहेगा, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ का हमारा पी आर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से बराबर का मतलब क्या होता है कि तमाम जो जिलों की जुड़िया है वो तनासुब में जो दिखाई दे रही है वो कैसी है, सेम है। ये हम लोग पहले बराबर, तो यहां से मैं ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स मैं लूंगा। ओके, तो मैंने ये दोनों पार्ट्स यहां से उठाए। पी एस बटे पी क्यू बराबर है पी क्यू बटे पी आर के। अब हमने इसी ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम ये पी क्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू कुव्वत दो बराबर, और ये पी आर को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा पी एस जर्ब पी आर। समझ में आ गया? हाँ सर। जी सर। है ना, इसे हम देते हैं मसावत नंबर एक। इसे हम क्या करते हैं? मसावत नंबर एक देते हैं। अब इसी तरह से अब हमें क्या करना है, इसी तरह से अब हमारा एक मुसल्लस ये बच जाता है, मुसल्लस क्यू एस आर और मुसल्लस पी क्यू आर। तो चलिए बताइए इसका तनासुब क्या रहेगा। दोनों मुसल्लसों का तनासुब बताना है आप लोगों को, क्या रहेगा? थोड़ा फास्ट बताइए तो बहुत अच्छी बात है। क्यू एस। Very good. QS, SR, PQ, QR. PQ, बहुत अच्छे। अगला इक्वल सर, और अगला आएगा SR बटे SR QR. SR बटे QR. 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 अगला बोल सर। हाँ? QR बटे PR. QR बटे PR, बहुत बढ़िया। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम लोग जी सर, अब हम ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा लेंगे, बस इतना। तो नीचे हम लिखते हैं आर बटे क्यू आर बराबर होता है क्यू आर बटे पी आर। तो जैसा देखिए ये क्यू आर इधर आकर जर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी आर जर्ब एस आर। इसे मसावत नंबर दो देते हैं। जी सर। आप लोगों की? हाँ सर। यस सर। अब हम आते हैं ऊपर, थोड़ा मुसल्लस की तरफ हम लोग आते हैं, जरा जो मुसल्लस हम लोगों को दिया हुआ है उसकी तरफ हम लोग आते हैं। मसावत नंबर एक और दो जो दिखाई दीजिए आप लोगों को, मसावत एक और दो। तो इसे हम क्या करते हैं, मसावत एक और दो की हम जमा करते हैं। मसावत एक और दो की जमा करने पर, तो यहां पर हम लिखेंगे पी क्यू कुव्वत दो जमा क्यू आर कुव्वत दो बराबर। कॉस में हम इसे लिखते हैं पी एस जर्ब पी आर
पी एस जमा पी आर सर्ब एस आर हमने बराबर लिखे ओके यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब आप गौर से देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इतने हिस्से में कॉमन पी आर वेरी गुड पी आर दिखाई दे रहा है। ये हो गया हमारा पी क्यू जमा क्यू आर पी आर हमारा कॉमन में बच गया हमारा पी एस जमा एस आर यही बचा अंदर। जब यहाँ से अगर हम पी आर अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए ऐसे में पी आर हटाता हूँ, ये पी आर हटाता हूँ और ये पी आर हटा दिया तो क्या बच गया पी एस जमा एस आर बच गया बराबर है। आप ऊपर आते हैं थोड़ा सा इसको याद रखना है पी एस जमा एस आर इसको याद रखिए पी एस जमा एस आर इसको लिख सकते हैं कहीं भी। अब मैं बताता हूँ शक्ल में आते हैं, शक्ल में पी एस और एस आर कहाँ पर है ये देखो ये दिखाई दे रहा है ये पी हाँ सर ये एस आर जी सर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एस एस आर बराबर क्या हो जाएगा हो सकता है पी आर हाँ सर हो सकता है ना पी एस आर वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा जब हमने एस आर से जोड़े तो क्या मिल गया पी आर मिल गया हमको पी आर जी सर है ना। तो अब चलो मीशा आते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे एज इट इज जैसा है वैसे रखेंगे ये हो गया पी आर जर्ब पी आर। अब हमारा ये पी आर कैसे मिला तो यहाँ पर आपको बताना है पी डैश एस डैश आर आपको ये सेंटेंस लिखना है अगर आपने यहाँ पर पी आर लिखे तो जी सर प्रूफ हो गया पी क्यू कुवत दो जी सर क्यू आर कुवत दो बराबर पी आर कुवत दो हो गया आप लोगों का फिसागोरस का मसला साबित जी सर। किसी को कोई प्रॉब्लम सर नो सर जो आए हुए नो सर पलक समीरा पाशा इरम शहादत नो सर यस सर ओके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का इतना पार्ट्स जो है जी सर एंड हो गया। दोनों की दोनों एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हो इंशाल्लाह इसकी लिंक जी सर मैं इसको जल्दी ही पर डाल दूंगा वहां से भी आप इसको देख सकते हैं जी सर। यहाँ पर हम हमारी क्लास को खत्म करते हैं सर। कल की क्लास कितने बजे चलेंगे? हमारा वही टाइम रहेगा सर। हाँ कितने बजे का? 8 बजे सर। 8 बजे का जी सर। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? अल रजा मैथमेटिक क्लासेस। ओके सर अल रजा मैथमेटिक क्लासेस है सब जी आपको 7 to जो आपके करीब में होंगे ओनली मैथ का मैथ ही मिलेगा उसके अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके सर ओके सर तो चलिए फिर क्लास को बंद करो। यस सर सर कल 8 बजे कल 8 बजे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा। ओके सर चलिए अल्लाह हाफिज़ जी सर। ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज़।